नमस्कार दोस्तों, हम गणित जो अध्याय 11 उनका जो छठवां और सातवां क्वेश्चन देखें, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, मतलब ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हमको आप जो बताने जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आपको देख के जाना ही है, ये क्वेश्चन टेम्पररी है, कोई जरूरी नहीं इसको देखो या ना देखो। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं साइड एक खंभे की लंबाई का अनुमान लगाते समय इस प्रकार खड़ा होता है कि उसके सिर एच की छाया व खंभे के शिखर क्यू की छाया एक ही बिंदु पर पड़ती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां पर है, ठीक है, यो जो है कोई खंभा है उसको देख रहा है और अनुमान लगा रहा है, ठीक है, लेकिन ये ऐसा खड़ा है कि इनके द्वारा बिंदु खंभे की बिंदु हो गया है ना, और इनके जो छाया के बिंदु जो है यही एक ही बिंदु पर पड़ता है। इस प्रकार से खड़ा हुआ है, इसकी छाया भी एक बिंदु पर पड़ता है, मतलब इसी प्रकार से खड़ा, हम इस प्रकार से पड़ रहा है एक ही जगह। तो मान लीजिए हम इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं इसके आधार पर लिख देता हूँ, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई। ठीक है, इस प्रकार से खड़ा है। तो जहां पे डी 1.6, डी डी से ई कहाँ पर है, ये 1.6, और डी एफ कहाँ पर है, अच्छा एच और क्यू है ना, ये हो गया एच और ये हो गया क्यू। सिर एच की छाया, ये एच हो गया और डी पर पड़ता है ना, ए डी हो गया, एक ही बिंदु क्यू, ये हो गया क्यू, तो डी ई मतलब ये हो गया ई है ना, और ये हो गया एफ। तो क्यू एफ डी ई का मान है, यहाँ पर डी ई कहाँ पर है, डी ई यहाँ 1.6 मीटर, ठीक है, और डी एफ कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4.4 मीटर, ठीक है। और हमारे पास जबकि साहित की लंबाई 1.2, मतलब डी एफ डी ई का मान कितना है, 1.6, और इसका मान कितना है, 1.2। तो हमको किसका निकालना है, खंभे की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो हल यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ लिख देंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है, एच ई बराबर 1.2 मीटर, ठीक है, और डी एफ बराबर 4.4 मीटर, और डी ई बराबर 1.6 मीटर, और क्यू एफ का मान हमको निकालना है। स्वास्थ्य तबियत ठीक नहीं है ना, ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको, डी क्यू एफ और डी एच ई समरूप दिखाई दे रहा है, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। त्रिभुज एफ क्यू डी व त्रिभुज, चलो समरूप है त्रिभुज डी एच ई, त्रिभुज समरूप है। यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। तो इसलिए QF बराबर हम क्या लिख देते हैं, FD, इसको और इसको ले, तो क्या लेंगे, इसको और इसको ले लेंगे, तो H E बटा क्या लेंगे, ED, क्या लेंगे, ED, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे, तो QF का मान हमको निकालना है, ठीक है, और
एफडी का मान कितना है 4.4 और एचई का मान कितना है 1.2 और ईडी का मान है 1.6। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे दशमलव ठीक से लिख देता हूँ, ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे तिजा गुना कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू एफ इंटू 1.6 बराबर इसको गुना करेंगे तो 1.2 इंटू 4.4। अब चांदर कर देते हैं तो क्यू एफ बराबर 1.2 गुना 4.4 बटा 1.6। सबसे पहले दशमलव हटाने आना चाहिए, दशमलव हटाएंगे तो 12/10 हो जाएगा गुना 44/10 हो जाएगा, यहाँ पे 16/10 हो जाएगा। ठीक है, बराबर जब हम इसको पक्षांतर करेंगे, सॉरी इसको हम गुना के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 12 गुना 44 गुना 10 बटे 10 गुना 10 गुना 16। ठीक है, 10 और 10 कैंसल हो जाएगा, 4 3 12 और 4 4 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 1 4 और 4 11 में 22 कितना हो जाएगा, ये 11 गुना 3, 11 गुना 3 बटा 10। तो क्या हो जाएगा 11 3 33/10, 10 से भाग देंगे 3.3 मीटर आएगा, इसका मान कितना आया 3.3 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया, गुना करना भाग करना आ गया आपको, ठीक है समझ गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट एकदम थोड़ा सा सरल है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इसमें केवल बताना बस है हमको कि क्या है ना। देखो त्रिभुज ए, सॉरी मैं चित्र बनाने के लिए भूल गया है ना, वो त्रिभुज लगभग इस प्रकार से बना होगा, इस प्रकार से ये, ठीक है यहाँ पे इस प्रकार से है और यहाँ ये एम हो गया, ये हो गया ए बी सी और ये हो गया एक्स और ये वाई, ये हो गया 16, ये हो गया 12 और ये हो गया 20। ठीक है, तो हमको सबसे पहले देखना है कि दो त्रिभुज एबीसी के समरूप है, उसका नाम लिखना है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये त्रिभुज, ये और ये सम, केवल नाम लिखना है। तो यहाँ पे 90 अंश का है तो यहाँ भी एक 90 अंश का बनेगा, यहाँ भी 90 अंश का बनेगा, एक कोण बना। देखो कोई भी दो त्रिभुज को आपस में समरूप सिद्ध करना हो तो दो कोण बराबर कर दो या तो दो भुजा बराबर कर दो, तो दो कोण बराबर कर सकते हैं। नाम बस लिखना है, करना नहीं है। तो इस त्रिभुज के अनुसार देखें, त्रिभुज एबीसी में इस त्रिभुज को देखें ए बी एम को, तो ये 90 अंश का, ये भी 90 अंश का। चलिए ये 90 अंश का है तो ये भी क्या है, कोण ए 90 अंश का है, एक कोण बराबर हो गया। ठीक है, दोनों में कोण ए है, सम्मुख कोण मतलब शीर्ष सम्मुख कोण, दोनों में कोण ए है तो दो कोण बराबर हो गया, मतलब ये त्रिभुज समरूप हो गया, उसी प्रकार से भी हो गया। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी के समरूप है, समरूप है त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज ए एम सी। ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। देखो ठीक, अब हमको क्या करना है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, या ए बी सी नहीं लिख के हम कर सकते हैं त्रिभुज ए एम सी में, हमको सबसे पहले एक्स का मान मान ले जाए ज्ञात करना हो, तो हम दो त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होती है, अनुपातिक होती है। यदि हम ए बी ले, यदि इसको हम ए बी लेते हैं, ये क्या हो गया कर्ण हो गया, ये हो गया इसका आधार, आधार ये क्या हो गया इसका आधार, इस त्रिभुज का आधार क्या है, ये ए एम हो गया। ठीक है, तो इस त्रिभुज का कर्ण क्या हो गया ए सी और आधार क्या हो जाएगा सी एम। तो ए बी का मान क्या है एक्स, ए एम का मान कितना है 12 बटा
बराबर एसी का मान कितना है 20 और सीएम का मान कितना है 16। जब हम इसको 13 गुना करते हैं तो यह हो जाता है 16x और 20 गुना 12, तो x बराबर 20 गुना 12 बटा 16 हो जाएगा। 4 3 12, 4 2 16, 4 1 4, 4 5 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना 3 बराबर कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, इसका मान है ये x का मान। इसी प्रकार से जब हम y का मान ज्ञात करेंगे, y का मान ज्ञात करेंगे तो बी एम पुनः बी एम बराबर क्या, बी एम लेंगे और क्या लेंगे हम, ए एम लेंगे। तो इसका बी एम क्या है, लंब है, तो इस त्रिभुज का लंब क्या होगा, ए एम होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिया है, ए बी, ए बी सॉरी ए बी नहीं लेना है, बी एम सबसे पहले मैंने लिया, बी एम और ए एम, ए एम तो ये हो गया इसका लंब। ठीक है, ये हो गया उसका आधार, तो इसका लंब क्या है, ए एम, तो यहाँ ए एम लेंगे, आधार क्या है, सी एम, ये हो जाएगा सी एम। तो बी एम का मान कितना है हमारे पास वाई, और ए एम का मान कितना है 12, बराबर ए एम का मान कितना है 12 और सी एम का मान कितना है 16। ठीक है, 13 गुना करेंगे तो 16 वाई हो जाएगा और 12 गुना 12 हो जाएगा, तो वाई बराबर 12 गुना 12 बटा 16, तो वाई बराबर 4 3 12, 4 4 16, 4 1 4, 4 3 12, 3 गुना 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, 9 सेंटीमीटर। मतलब एक्स का मान 15 और वाई का मान 9। सॉरी दोस्तों, मैं तबीयत खराब होने की वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ा दिया, इसके लिए सॉरी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम प्रश्नावली 5। ठीक है, वहां से हम 2 वीडियो बनाएंगे, 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा। यहाँ से जितना इंपॉर्टेंट था मैंने बताने का प्रयास किया, और यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही है, तय है, तो आप यहाँ से करके जाइएगा जरूर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।